नमस्कार, न्यूज अब तक से मैं वरुण शर्मा और हमारे साथ महाराष्ट्र सरकार के मंत्री रोजगार और पर्यटन जय कुमार रावल जी हैं, जो नागौर राज परिवार से जुड़े हैं। आइए उनसे कुछ बातें करते हैं। अब केंद्र में मोदी सरकार है और राम मंदिर का राज फिर शुरू हो गया है। अभी उद्योग में आप हाल में देखेंगे, आपके महाराष्ट्र के ही शिवसेना प्रमुख वहाँ पहुँचे हैं। अयोध्या में उन्होंने नए तरीके से ये दिखाया कि हम अब फिर से राम मंदिर के मुद्दे पर आ रहे हैं। तो क्या आप किस नज़रिए से देखते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में से शुरुआत हो रही है फिर से उस मुद्दे की? तो राम मंदिर का मुद्दा फिर से आ रहा है, ये बात से मैं सहमत नहीं हूँ। राम मंदिर का मुद्दा ये हमेशा रहा और हमेशा रहेगा, जब तक वहाँ बनेगा राम मंदिर, और उसके बाद भी रहेगा। विश्व के कई देशों में मैं पर्यटन मंत्री हूँ, विश्व के कई देशों में वो लोग रामायण अपने तरीके से मनाते हैं। वियतनाम में भी राम का मंदिर है, उनका ये मानना है कि हमारे वहाँ राम का जन्म हुआ था। और इसीलिए राम मंदिर हिंदुस्तान में होना बहुत ज़रूरी है, वो हमारी पहचान है। और हमारी भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना एक ही परिवार के दो भाई हैं। थोड़ा बहुत विवाद हो रहा है इस समय, वो तो घर में थोड़ा बहुत विवाद होता रहता है, विशेषतः मीडिया के माध्यम से विवाद होते रहता है, लेकिन वास्तविकता वैसी नहीं है। हम लोग एक सरकार में काम कर रहे हैं, केंद्र में एक साथ काम कर रहे हैं, राज्य में काम कर रहे हैं, और हम लोग सबका उनसे बहुत जुड़ाव है। बाला साहब तो हमारे नेता थे, बाला साहब हमारी ताकत थे, और बाला साहब के समय से बाबरी मस्जिद के समय शिवसेना ने अहम भूमिका निभाई, ये इतिहास है, वास्तविकता। और उद्धव जी ने अयोध्या के बहुत अच्छी बात और उन्होंने एक शुरुआत की है, और मुझे लगता है कि महाराष्ट्र बहुत सारी चीज़ों में अग्रगण्य रहता है, आगे रहता है। राम मंदिर के मुद्दे में भी महाराष्ट्र आगे रहेगा और महाराष्ट्र बढ़ चढ़ के राम मंदिर के निर्माण में हिस्सा लेगा। हर तरीके का जिम्मेदारी महाराष्ट्र के लोग हम लोग लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे जय कुमार रावल जी, जो महाराष्ट्र सरकार में मंत्री है, और इन्होंने कहा मध्य प्रदेश से भी बहुत कुछ सीखने को मिला है। न्यूज़ अब तक से वरुण शर्मा।